हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ इंजीनियर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि बालों का झड़ना कैसे रोकें। दोस्तों हेयर फॉल यानी जिसको हम लोग बालों का झड़ना भी कहते हैं, दोस्तों आज के इस समय में हम लोगों का खान पान इतना खराब होता जा रहा है कि हमारे बालों के झड़ने का भी समस्या बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और साथ में हेयर फॉल से रिलेटेड कुछ डाउट्स और मिथ को भी क्लियर करूंगा जो आपके दिमाग में भरे हुए हैं। दोस्तों क्या आप लोग को पता है कि एक रिसर्च में पाया गया है कि 75% महिलाओं को जिन आदमियों के बाल झड़ चुके होते हैं वो उन्हें कम अट्रैक्टिव लगते हैं और जिन आदमियों के ज़्यादा घने होते हैं वो उन्हें ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ हैं जो बाल झड़ने को लेकर। दोस्तों लोग सोचते हैं कि बालों में अगर हम ज़्यादा ऑयल लगाएंगे तो हमारे बाल ज़्यादा घने हो जाएंगे और लोग यह भी सोचते हैं कि अगर हम महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करेंगे तो हमारे बाल घने हो जाएंगे। यह बहुत ही बड़ा मिथ है आप लोगों के दिमाग में, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। दोस्तों हमें कभी भी अपने बालों में केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज करना चाहिए। याद रखिए बाल का झड़ना एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि यह एक मेडिकल प्रॉब्लम या कभी कभी जेनेटिकल प्रॉब्लम होती है। दोस्तों आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यह जाननी होगी जो बाल झड़ने की समस्या हो रही है, यह समस्या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार में चलते आ रही है, मतलब आपके दादा पापा परदादा इनमें बाल झड़ने की परेशानी तो नहीं थी। अगर इन लोगों में बाल झड़ने की परेशानी थी तो आपके बाल झड़ने का ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आप अपने बालों का अच्छे से देखभाल करें ताकि आपके बाल ना झड़ें। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर हम अपने बालों को देखभाल कैसे करें। दोस्तों अगर आप अपने बालों को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप अपने बालों को रोज धोना छोड़ दीजिए, मतलब रोज आप अपने किसी केमिकल शैम्पू का यूज ना करें। अगर हम अपने बालों को रोज धोते हैं जो हमारे शरीर से हेयर फॉलिकल से निकलने वाले ऑयल होते हैं जो हमारे बॉडी में नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होते हैं जिससे हमारे बालों को बार बार धुलने से हमारे बालों की स्कैल्प रूखी हो जाती है और हमें डैंड्रफ हो जाता है जिससे हमारे बालों के झड़ने की चांसेस बढ़ जाती है। वॉलनट, दोस्तों अगर हम हर रोज वॉलनट यानी अखरोट खाते हैं तो सबसे पहला फायदा यह होगा कि अखरोट में विटामिन बी1, विटामिन बी6 और नरिशमेंट ऑयल होते हैं जो हमारे बालों को नरिश करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि जो हमारे बालों की स्कैल्प होती है उससे बहुत ज़्यादा नरिशमेंट ऑयल की ज़रूरत होती है। अगर हम अखरोट खाएंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगला जो चीज़ है वो दही। दही जो हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। दही में भी आपको एंटीऑक्सीडेंट मिल जाएंगे जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। दही खाना और उसके साथ में दही को अपने बालों पर लगाकर 20 मिनट तक बालों में लगाए रखना, फिर उसके बाद रनिंग वाटर से अपने बालों को धुल लेना। एक चीज का ध्यान आपको हमेशा रखना है कि कभी भी अपने बालों को ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडे पानी से अपने बालों को नहीं धुलना चाहिए। अगला जो चीज है आंवला। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आंवले से जो हमारे प्रीमेच्योर हेयर हैं वो हमारी कम उम्र में बाल सफेद होने लगते हैं, उन सब चीजों से हमें आंवला बचाता है। आंवला में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं और हमारे हेयर फॉल को भी रोकते हैं। दोस्तों आप लोग को एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, हेयर फॉल को हम अपने डाइट और एक्सरसाइज से भी रोक सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं डाइट और एक्सरसाइज के बारे में। सबसे पहले हम डाइट के बारे में आपको बताते हैं। डाइट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल जैसे बीन्स, ब्रोकलीज, लीफी ग्रीन मतलब पालक, एवोकाडो खा सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप ज़्यादा सैलड का भी यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सरसाइज के बारे में जो आपको हेयर फॉल को भी कम कर देता है। दोस्तों आप अपने हेयर फॉल को कम करने के लिए सबसे पहली एक्सरसाइज स्क्वाट, लंजेस, लेग प्रेस, लेग एक्सटेंशन यानी आप लेग वर्कआउट की सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोस्तों लेग वर्कआउट करने से हमारे बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है और यह हमारे हेयर फॉल को रोकने में काफी मदद करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप घर से निकले पोल्यूशन से अपने बालों को बचाने के लिए सर पर कैप लगाएं या फिर किसी कपड़े या रूमाल से अपने बालों को ढक लें। ज्यादा पोल्यूशन से भी हमारे बाल झड़ने लगते हैं। दोस्तों अगर आप यह सारी चीजें फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कुछ ही हफ्तों में
या कुछ ही महीनों में आपके बाल झड़ने की समस्या बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी और आपके फिर से घने बाल निकल आएंगे। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट स्टे ऑसम।